अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जियो ने यहाँ पे अपना 399 रुपये वाला प्लान को अब 459 रुपये कर दिया है। आगे आप ये वीडियो देखिए और हम इसी के बारे में बात करेंगे आपसे, आपको बताएंगे। दोस्तों जैसा कि जियो ने कहा था कि 18th के बाद से जियो अपने प्लान रिवाइज करने वाला है, तो फाइनली उन्होंने कर दिया है। अब आपको 399 रुपये में जो 84 डेज़ के लिए मिलता था, अब उसके लिए आपको 459 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा भी सारे प्लान्स में चेंजेस किए गए हैं, आपको नया प्लान दिखाता हूँ। दोस्तों पहले 149 रुपये में 2GB हाई स्पीड और अनलिमिटेड 64 KBPS के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब आपको मिलेगा 149 रुपये में 4.2GB का डाटा, जिसे आप 150 MB डेली करके इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा वहीं अगर बात करें 399 रुपीस की, तो उसमें आपको अब मिलता है 70 डेज़ की वैलिडिटी 1GB पर डे के हिसाब से, और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी इसके साथ। वहीं 459 रुपये पे करने पर आपको अब मिलेगा 84 डेज़ के लिए 1GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, यानी जो आपको 399 रुपीस में मिलता था वो अब आपको 459 रुपीस में मिलेगा। इसके अलावा 509 रुपये में जो मिलता था 2GB पर डे 56 दिनों के लिए, उसको भी कम करके 49 दिन कर दिया गया है उसकी वैलिडिटी। तो अगर आप देखें तो जियो हर 3 महीने में प्लान चेंज कर रहे हैं और प्लान का जो प्राइस है वो भी बढ़ा रहे हैं, यानी अब जियो भी अपनी कमाई के चक्कर में है। पूरा वो लोग भी अपना जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं सब वसूलना के चक्कर में है, और अब दूसरे ऑपरेटर्स को भी जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को मौका मिल जाएगा यहाँ अपने प्लान के प्राइस को बढ़ाने का। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या जियो ने सही किया प्लान चेंज करके, या फिर अब जियो बस अपनी कमाई करना चाहता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर भी करें, और आज 18 अक्टूबर है, अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, आज ही करवा लीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए और साथ ही साथ आपको कैशबैक भी मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।